नमस्कार दोस्तों, मैं विराट अग्रवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पर यह हमारा 22वां वीडियो क्लास है और इस पर आज जो हम बात करने वाले हैं, इन 16 क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड में जो आजाद है, आजाद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सिरदर की मोठी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का आजाद कहा जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह है रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन के दो मालवाहक डिब्बों को कब रवाना किया गया? अगर हम इससे सबसे पहले हम बात करें तो भारत में जो रेल चली है वह 16 अप्रैल आपके 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पे स्टार्ट हुआ है। यह भी आपके लॉर्ड डलहौजी के ही समय से शुरू हो रखा है। लेकिन भारत में अगर आएगा कि कब आपके जो आपके दो मालवाहक डिब्बे थे वो कब रवाना किए, तो जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वह आपका 22 दिसंबर 1851 में ये आपका क्या किया गया है, रुड़की से पिरान कलियर के बीच में ये रवाना किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जो आपके क्या पुआ कसब है यह किसकी रचना है? दोस्तों ये जो रचना है आपके, ये आपके मनोहर श्याम जी जो है उन्होंने ये आपकी रचनाएं लिख रखी हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, जो टिहरी के किस नरेश को राजर्षि की उपमा दी जाती है? तो दोस्तों यहां पर जो उपाधि दी जाएगी, ये उपाधि किसको दी गई है? आपके कीर्ति साहब को दी गई है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन इसमें आता है, जो सीता गोसाई है वह किस खेल से संबंधित है, या वह किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो दोस्तों जो सीता गोसाई है वह आपकी हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जो आपका श्रीनगर का केशव राय मठ है वह किसने बनाया था? दोस्तों यह जो मठ है यह आपका 1682 में बनाया जाएगा, यानी कि 1682 में बनाया जाएगा। जो इस टाइम पर जो आपके पवार शासक थे, तो पवार शासकों में एक आपके राज कवि थे, उनका नाम था आपका केशवदास। तो केशवदास ने आपके इस मठ का आपका निर्माण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जो पौड़ी के भुवनेश्वरी सिद्धपीठ का जीर्णोद्धार किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो जीर्णोद्धार किया है, एक तो वो आपके चक्रधर जुयाल और उनके पुत्र विद्याधर जुयाल ने कर रखा है। यानी कि इसका जो जीर्णोद्धार करेंगे वह कौन करेंगे? चक्रधर जुयाल और उनके पुत्र कौन थे यहाँ पर? विद्याधर जुयाल। इन्होंने क्या कर रखा है? इसका जीर्णोद्धार कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, जो आपका लेसडाउन है, लेसडाउन का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर जो अल्मोड़े में क्या हुआ था कि जो आपका गढ़वाल रेजिमेंट है उसकी स्थापना की गई थी आपके 5 मई 1887 को। उसके बाद क्या हुआ, इस जो आपकी बटालियन थी, इस बटालियन को अपनी छावनी एक बनानी थी, तो उसी की खोज में ये आपके 14 नवंबर 1887 को ये आपके कहां पहुंचे? ये आपके लेसडाउन, यानी कि लेसडाउन का जो उस टाइम पर नाम हुआ करता था वो नाम क्या था यहां पर इनको? कालोडांडा। यानी कि कालोडांडा आपका किसका उपनाम रहेगा? लेसडाउन का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके उत्तराखंड का आधुनिक भीम किसे कहा जाता है? जो उत्तराखंड के आधुनिक भीम है दोस्तों वह किसको कहा जाता है? वह आपका विश्वपाल जयंत को कहा जाता है। दोस्तों यहां पर 1968 में जो भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी ने उनको यह उपाधि दे रखी है, और किसकी उपाधि दे रखी है? आधुनिक भीम की। तो आप इसको याद रखेंगे 1968 में, और किसने दे रखी है? भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने ये उपाधि दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, जो आपका देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? यानी कि जो देहरादून का सुल्तान है दोस्तों वह आपके जो महावीर त्यागी उनको क्या कहा जाता है? देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिख रखी है? इन्होंने दोस्तों जो आपका अशफाक उल्ला खां की इन्होंने जीवनी लिख रखी है। दोस्तों ये जो काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड के बाद ही इनको
इनको क्या क्या काकोरी कांड में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दे रखा है, और उसी में उसके उसी के बाद इनको फांसी दी जाएगी, और कब 19 दिसंबर 1927 को इनको यहाँ पर फांसी भी दी जाती है। तो इस पर आपके जो हिमांशु जोशी है उन्होंने इनकी जीवनी लिख रखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो तिपरा बामक है यानी कि तिपरा बामक जो ग्लेशियर है वह किस जनपद में स्थित है? यह आपके उत्तराखंड में जो चमोली जनपद है, इस चमोली जनपद में आपका तिपरा बामक आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने पौड़ी के भीमसेन महादेव मंदिर में एक रजत थाल अर्पित की थी? दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था, आपके 1635 की बात करें तो 1635 में जब कर्णावती जब यहाँ पर शासिका थी, तो उसी दौरान जब मुगलों ने यानी कि शाहजहां ने जब आक्रमण किया, तब क्या होता है, तब आपके जो आपकी कर्णावती होती है इसी भीमसेन महादेव मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाती है, तो वो भी यहाँ पर कुछ चीजें अर्पित करती हैं। तो इसी के चलते बाद में क्या होता है, बाद में आपके 1803 में क्या होता है कि आपके जो प्रद्युमन शाह हैं वो क्या करते हैं, महारानी कर्णावती की भांति क्या करते हैं, वो भी एक रजत थाल अर्पित करते हैं। इन्होंने रजत थाल अर्पित कर रखी है, उन्होंने वहां पर जैसे आपकी कुछ चांदी की डोली कांसे की इस टाइप से उन्होंने वहां पर कर रखा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो रजत थाल है वह आपके किसने कर रखा है, वो आपके प्रद्युमन शाह ने कर रखा है। कब कर रखा है, 1803 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के घंटाघर का निर्माण कब और किसने करवाया? दोस्तों इसका जो कई जगहों पर आंसर दिया गया है, नरेंद्र साहब भी लोग जो आपके कुछ राइटर उन्होंने इसका आंसर दे रखा है, लेकिन इसका जो आपका सही आंसर है वह है 1897 में, जो आपके कौन है, 20 जून। अगर आप इसको पूरा याद रखना चाहते हो तो इसका जो आंसर है आपका जो 20 जून 1897 में जो आपके कीर्ति शाह होते हैं, कीर्ति शाह ने आपके टिहरी के घंटाघर का निर्माण करा रखा है। अगला क्वेश्चन है, जो राजराजेश्वरी मंदिर है वह कहां पर है? क्योंकि इससे सबसे पहले क्या होता है कि आपके कौन, आपके अजयपाल जो होते हैं वो देवलगढ़ में अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इसी देवलगढ़ में वो क्या करते हैं, एक आपके भवन का निर्माण करते हैं, वहीं पर क्या करते हैं अपनी जो कुलदेवी, राजराजेश्वरी इनकी कुलदेवी मानी जाती है, तो उनकी स्थापना भी करते हैं। तो ये आपका कहां पर हो गए मंदिर आपके, ये आपका देवलगढ़ में आपका स्थित है, यानी कि देवलगढ़ यानी कि आपका कहां हो जाएगा, पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जो रोनाल्ड रॉस है उनका जन्म स्थान कहां माना गया? तो रोनाल्ड रॉस का जो जन्म स्थान माना गया है वो कहां पर माना गया है, आपके अल्मोड़ा में माना गया। तो दोस्तों आज के हमारे 16 क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।